आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित भी होंगे। फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ फ्रेंड्स आज आपका वेलकम मैं नहीं करूँगी, आज आपका वेलकम करने वाली है कोई और। तो चलिए मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। फ्रेंड्स, तो बहुत ही नटखट है, बहुत ही प्यारी है, लेकिन हमारी राज दुलारी है। तो वो कौन है, चलिए उससे आपको मैं मिलवाती हूँ। वो आखिर क्या कहना चाह रही है मेरी इस छत बगिया के विषय में, तो फ्रेंड्स चलिए उन्हीं से ही हम सीधे मिलवा देते हैं आपको। फ्रेंड्स, हेलो गाइस, ये मेरी मौसी का गार्डन है। ये मेरी मौसी का गार्डन लगाए हैं, उसने इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्लांट ही प्लांट है, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये है बर्ड का। तो फ्रेंड्स आप मिलिए हमारी इस नटखट से। फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर की डॉटर है जो दिल्ली से देहरादून आई हुई है, तो मेरी छत बगिया को बहुत इसने पसंद किया। तो इसके जो ग्रैंड फादर हैं उन्होंने भी एक छोटा सा अपना बालकनी गार्डन बनाया हुआ है, तो बता रही थी मुझे कि हमारा भी बहुत बड़ा सा गार्डन है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके, उसके बातें सुन करके बच्चे सचमुच मन के सच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद मैं आपको लिए चलती हूँ। मैं आखिर छत बगिया में कुछ काम करने बैठी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे अब ख़राब होने वाले हैं, तो जो ख़राब हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, तो उन सभी को मैं निकाल कर फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ कोचियास के ये प्लांट्स थे मेरे। एक तरफ तो ये ग्रीन है, लेकिन एक तरफ से ये इसके कुछ स्टेम्स हैं जो बिल्कुल सूख रही हैं, गल रही हैं इस बारिश की वजह से, लेकिन एक तरफ ये ठीक है। तो इसको जो ठीक तरफ है उसे मैं रहने दूंगी, लेकिन जो इसकी सूखी हुई डंडियां हैं उनको मैं वहाँ से हटाना उचित समझती हूँ। फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश उसी तरह से इसमें पड़ती रहेगी और फिर वो गलेगा, और उससे फिर जो अच्छा प्लांट जो बचा हुआ है, जो स्टेम, वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वही DIY है जिसे मैंने बनाकर आपको दिखाया था। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये इसमें मैंने हालांकि भी प्लांट्स ऐसे नहीं लगाए थे, इसमें ऐसे ही मैंने कोई दूसरा प्लांटर मैंने रख दिया था। तो ये मेरा उससे पहले का वीडियो है फ्रेंड्स ये। तो चलिए आपको कुछ मैं प्लांट्स दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रेंड्स ये प्लांट्स मैंने स्वैप के ज़रिए मैंने ये मंगवाए हैं, और ये लखनऊ से मुझे एक मित्र ने ये मुझे पोस्ट किए थे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत से चार प्लांट्स हैं, इनको मैंने लगा भी दिया है, छोटे छोटे से हैं, तो इनके लिए मैंने छोटा प्लांटर ही मैंने चूज़ किया है। ये देखिए, ये कैलेडियम का काफ़ी खूबसूरत रंग, नियॉन कलर में हल्के हल्के डॉट्स हैं, वाइट और रेडिश कलर के। और ये देखिए, ये भी फ्रेंड्स नाम इसका मैं भूल रही हूँ, जीजी प्लांट। तो ये तो कटिंग के द्वारा मैंने लगाया है। तो फ्रेंड्स उसके साथ ही ये देखिए, ये गोल्डन साइप्रस का फ्रेंड्स ये प्लांट है। पहले मैं स्वैप के बारे में आपको बता दूँ फ्रेंड्स, तो स्वैप के ज़रिए काफ़ी अच्छा मुझे ये ऑप्शन लगा कि हम कई ग्रुप से हम जुड़ते हैं। अभी हाल ही में लगभग एक महीना भी नहीं हुआ होगा, मैं ये FB का एक ग्रुप है, वहाँ पर मैं काफ़ी मित्रों से मैं मिली हूँ, मतलब चैट के ज़रिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स उन सभी मित्रों ने वहाँ पर स्वैप के ज़रिए हम एक दूसरे से प्लांट्स हम एक्सचेंज करते हैं। आपके पास जो प्लांट्स हैं, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो अगर हो तो आप उन्हें वो दे दीजिए, वो उन्हें वो आपके पास जो नहीं होगा वो आपको उसके एक्सचेंज में दे देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ पर हम अपने पौधों को काफ़ी हम वैरायटीज हम कलेक्ट कर सकते हैं। नर्सरी के बजाय एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कभी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है और कभी
थोड़ा बुरा भी मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स सीखना ही ज़िंदगी है। तो मैं ये मानती हूँ किसी को हम बरसात में इतनी अपने प्लांट्स की हम कटिंग करते हैं, काट छाट हम कितनी करते हैं, उसमें से अगर हम कुछ कटिंग्स अगर किसी के पास वो अवेलेबल ना हो तो उन्हें अगर हम वो कटिंग्स दे दें तो वो फेंकने से तो बेटर है कि किसी के गार्डन में जाकर वो अगर प्लांट बनता है तो वो खुशी पाने वाले के लिए भी और हमने जब दिया है हमारे लिए भी अच्छा हमें लगेगा कि चलिए हमने किसी के गार्डन में हमने हमारे द्वारा दिया गया कोई भी कटिंग अगर रेडी होता है, प्लांट बनता है तो खुशी तो होती है। तो फ्रेंड्स ये स्वैप का जो ऑप्शन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लगभग अभी देहरादून में मैंने एक मैम से स्वैप किया है और बाकी मैंने दो मैंने बाहर से स्वैप किए हैं फ्रेंड्स, तो मुझे अच्छा लगा। और ये फ्रेंड्स ये ग्रेफ्टोफाइलम पिक्टम का प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसे मैं कहीं पार्क से मैं इसके कुछ कटिंग्स में लेकर आई हूँ तो चलिए इसे भी मैं लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सुंदर एक कलर ऐड करता है हमारी ग्रीनरी के बीच में कोलियास की ही तरह। तो फ्रेंड्स एक श्रब प्लांट ही इसे हम कहेंगे क्योंकि ये एक श्रब के तौर पर ये बढ़ता है और बहुत ही सुंदर रंग उस जगह को देता है। तो ग्रीन के साथ इसका मैच करके अगर आप लगाएंगे बहुत ही खूबसूरती ये उस स्थान को देता है फ्रेंड्स। चलिए इसे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वो मिट्टी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी तो उसके बजाय मैंने यहाँ पर वो सभी ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम के प्लांट्स मैंने यहाँ पर सभी मैंने लगा दिए हैं उसके कटिंग्स। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स भी अभी ग्रो नहीं मैंने की हैं, तो काफ़ी सारे प्लांट्स पिछले वर्ष से मैंने बचा कर रखे हुए थे तो मैंने उन्हीं की टिप की कटिंग्स ले करके कुछ यहाँ पर कटिंग्स मैंने ये मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स नीचे की पत्तियों को रिमूव करने के बाद आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन आप लगा सकते हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया है। ये देखिए नीचे की पत्तियाँ इस तरह से हटा देने चाहिए तो उसके बाद फिर नोड एरिया से नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो मिट्टी को नीचे से जड़ पर बिल्कुल दबाकर लगा दीजिए हल्के हाथों से। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स ये गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स हैं तो इनको मैंने लगा दिया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी और कटिंग्स भी मेरी रेडी हो रही हैं जिन्हें मैंने ये गुलदाउदी की मैं अभी लगा रही हूँ और ये जो ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम की है ये भी मैंने अभी ही लगाई है, बाकी मैंने ये कल लगाई थी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सारी कटिंग्स यहाँ पर मैंने जमा दी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस किस कटिंग को जगह दी है। ये तो वही है ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम की कटिंग, तो बहुत ही सुंदर। ये अल्टरनेंथ्रा है शायद फ्रेंड्स, इसका नाम मुझे इतने अच्छे से नहीं पता लेकिन गूगल में मैंने सर्च किया था तो अल्टरनेंथ्रा ही इसका नाम आया है। तो ये भी एक कलर ऐड करता है और इसके मैंने पिछले वर्ष दो प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए थे, बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। उसके साथ ही गॉम्फ्रिना की कटिंग को भी मैंने जगह दी है। कल गॉम्फ्रिना की कटिंग मैंने की थी, उसके बाद उसकी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने सोचा कि इसे मैं ना फेंक कर इसे मैं ग्रो करूं, तो इसको मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 कटिंग्स मैंने यहाँ पर इसके लगा दी हैं। अब आगे देखिए, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है गॉम्फ्रिना के विषय में, तो आगे देखिए अब क्या पता ये ग्रो होती हैं नहीं होती हैं। वैसे मेरी समझ से तो काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है तो ये हो जानी चाहिए। ये देखिए ये भी सभी वही कटिंग है गॉम्फ्रिना। और फिर आपसे दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये फ्रेंड्स वेरीगेटेड जो कनीर होता है ये वो है, तो उसकी लगभग 3 कटिंग्स मैंने ये 7 से 8 इंच की कटिंग्स मैंने ये यहाँ पर लगाई हैं। ये आप देख सकते हैं 3 कटिंग, तो ये तीनों कटिंग फ्रेंड्स वेरीगेटेड कनीर की हैं। और फ्रेंड्स वेरीगेटेड कनीर जो होता है उसकी पत्तियों में कुछ श्वेत रंग की कुछ पैटर्न सा बना होता है, तो अब मुझे नहीं पता वो वेरीगेटेड, लेकिन मुझे और कनेर से थोड़ा भिन्न लगा तो मैं वहाँ से रोड साइड से ही इसकी कटिंग मैं करके लाई हूँ।
तो ये देखिए अब तीन कटिंग यहाँ जमाई है और काफ़ी कटिंग्स, मेरी टिप की भी कटिंग मैंने इसकी लगाई है, वो मेरे ग्राउंड फ्लोर में लग रही हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए सारी की सारी कटिंग्स, तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर मैंने लगाई हैं। तो इसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसके अलावा मैंने ये देखिए डहलिया की भी कटिंग लगाई है, और इससे पहले भी मैंने डहलिया की दो कटिंग्स लगाई थी तो वो भी ग्रो हो चुकी है। और एक ये है, ये भी कलर ऐड करने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए बाकी इसमें मैंने और भी कटिंग्स को मैंने जगह दी है, कुछ डेंथस की भी यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है, तो इसको मैं उठाकर यहीं लगा देती हूँ। तो डेंथस भी कटिंग के द्वारा आसानी से लग जाता है, इसके टिप की कटिंग आप लीजिए। तो ये देखिए इसमें मैंने फंगिसाइड पाउडर का मैंने इसको लगा करके फिर उसको लगाया था, क्योंकि ये मैंने कल लगाए थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ इनको भी मैं यहीं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब देखते हैं इनमें से कितनी कटिंग्स मेरी रेडी होती हैं और कितनी नहीं होती है। तो हमेशा भी सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन आजकल बरसात के मौसम में सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए काफ़ी सारी कटिंग्स आप सभी मित्र भी लगाइए, जहाँ कहीं आपके मनपसंद पौधे मिलते हैं तो उन्हें फट से लेकर आइए और लगा लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि लगभग 99% ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कटिंग के द्वारा हम आसानी से अपने बगिया में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कोलियस भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही ये मैंने कटिंग से तैयार किए हैं ये गेंदा के प्लांट, ये लड्डू गेंदा है फ्रेंड्स। और देखिए नीचे की पत्तियां थोड़ी पीली पड़नी शुरू हो गई हैं, तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, इसमें यही दिक्कत होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये टर्टल वाइन और उसके साथ बॉलीवियन ज्यू, ये भी कटिंग ऐसे ही रख दी थी तो काफ़ी सारी ये लग गई हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्रेन बेरी हिबिस्कस है, जो फ्रेंड्स मैंने आप सभी मित्रों के साथ मैंने ये लगाया था कटिंग के द्वारा, तो ये भी जम गई है बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये सदाबहार जिसे मैंने कुछ समय पूर्व लगाया था, नीचे है बिगोनिया की एक कटिंग जो कि चल पड़ी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये सारी की सारी इसमें भी काफ़ी अच्छे से चल पड़ी है। और फ्रेंड्स ये क्रीन बेरी हिबिस्कस जो है फ्रेंड्स, काफ़ी ये हार्डी प्लांट है, इसका जो स्टेम होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी हार्डी होता है, वुडी टाइप का ये होता है, तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है क्योंकि हार्डी प्लांट है। तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करें अपनी गार्डन में फ्रेंड्स, एक कलर भी ऐड करता है इसकी पत्तियाँ हो, और फूल इसका है ब्लडिश रेड कलर का। यहाँ पर देखिए नागचंपा जो मेरे पास नहीं था, इसे मैंने कटिंग के द्वारा ये लगाया है, ये चल पड़ा है, उसके साथ ये हज़ारी मोगरा की दो कटिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरी शेयरिंग बस इतनी ही, एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।